आरोप लगाया गया है और लगातार पहलवानों का धरना प्रदर्शन भी जारी है। आप अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं, पहलवान कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही है। हमको लगता है कि पहलवानों को भी, हमको भी और देश को भी जो जांच सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है उस पर भरोसा करना चाहिए। जांच में अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा, उस बात पर अभी तक कायम हूं। और मेरा फिर अपील है कि देश चौराहे से नहीं चलेगा, नारे से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। संविधान की इज्जत पहलवानों को भी करनी चाहिए और हमें भी करनी चाहिए और सबको करनी चाहिए। आपको क्यों लगता है कि क्यों लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, चाहे बजरंग पुनिया हो, साक्षी मल्लिक हो, विनेश फोगाट हो? मैडम, ये बातें बहुत बार आ चुकी हैं, लेकिन इतना कहना चाहूंगा, मैं जब सोचता हूं कि क्यों, तो एक मुझे शेर याद आ जाता है। एक शेर मुझे याद आ जाता है, वो शेर क्या है, इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे, इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे, और लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे, लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे। जो मैंने इनके साथ किया वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और उसी का प्रतिफल हमको मिल रहा है। आपको लगता है कि जो बच्चियां पहलवानी में आना चाहती हैं, कहीं ना कहीं जो मामला उठा है उसके बाद डर लगेगा कि हम कैसे पहलवानी में आए? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। कल मेरे से कुछ ऐसे लोग आए थे जो अखाड़ा चलाते हैं, जिनके अखाड़ों पर महिलाएं पहलवानी करती हैं, और वो बता रहे थे कि अभी नए बच्चे जो आए थे 3 महीना के अंदर 4 महीना के अंदर जिन्होंने कस्ट्यूम खरीद लिया था, जूता खरीद लिया था, पहलवानी शुरू किए थे, गार्जियन उन बच्चियों को वापस ले जा रहे हैं कि मुझे पहलवानी नहीं करनी है। और मेरी बात को मत मानिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि विशेष करके जहाँ भी बच्चियाँ कुश्ती करती थी, आप जा करके देखें, लगातार उनकी संख्या घट रही है, भरोसा दिलाएंगे उन परिवारों को? अब हम जब खुद ही कटघरे में खड़े हैं तो क्या भरोसा दिलावें, जब हम खुद ही कटघरे में खड़े हैं तो हम क्या भरोसा दिलावें। लेकिन ये दुर्भाग्य है, इससे खेल का बहुत नुकसान हो रहा है, और उन बच्चियों से और गार्जियन से ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा दिन नहीं रहा तो बुरा दिन भी नहीं रहेगा। बच्चों को कराइए कुश्ती, घबराइए नहीं, सब ठीक होगा। आप पंचायतों को कुछ कहेंगे, चूंकि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से पहुंच रहे, राकेश टिकैत फिर से पहुंचने वाले 21 तारीख को? वो हमारे बुजुर्ग हैं और उनके हर आदेश को हम मानेंगे, हमने भी अपना निवेदन उनके सामने पहुंचा दिया है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर दोषी होंगे तो खुद फांसी पर चढ़ जाएंगे, लेकिन अगर जांच चल रही है तो जांच चलने दे पहले। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। भारत समाचार पर